क्या किए थे हम लोग, क्या कर रहे थे? एटीट्यूड, एटीट्यूड का बहुत सारा चीज किए हैं। सबसे लास्ट जो किए थे क्या था वो? उसका रिलेशनशिप लास्ट एलिमेंट क्या था? वो तो टॉपिक हो गया। लास्ट एलिमेंट क्या था देखो जरा, मॉरल एटीट्यूड। क्या होता है मॉरल एटीट्यूड का मतलब? Tell me about some moral issues. For example, यही सब चीज़ है मॉरल इशू। इसके तरफ क्या एटीट्यूड है, डेट इज कॉल्ड मॉरल एटीट्यूड। आज जो हम लोग करेंगे क्लास में पॉलिटिकल एटीट्यूड, तो आज का क्लास इंटायरली डिफरेंट होने वाला है पॉलिटिकल एटीट्यूड। पॉलिटिकल एटीट्यूड समझने से पहले हम लोग को जानना है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होता है, तभी समझ पाएंगे ठीक से। बिना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझे हुए कैसे समझ सकते हो पॉलिटिकल एटीट्यूड के बारे में? सो इट इज़ अ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अबाउट द पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो चलो तुम लोग बताओ तो क्या क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी प्रेजेंट है वर्ल्ड में? यस यू, क्या क्या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है? बिल्कुल, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, वेरी गुड, कैपिटलिज्म और क्या है, लिबरलिज्म, और क्या है, कंजर्वेटिज्म, ये सब क्या है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, समझ रहे हो ना? तो पहले समझेंगे कि होता क्या है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब। लेट्स से बहुत सारा पब्लिक इश्यूज है, या मैनी पब्लिक इश्यूज, लेट्स से तुम्हारा कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी देना, फांसी देना, हैंग टू डेथ। लेट्स जलीकट्टू, जलीकट्टू जानते हो तुम लोग, जो तमिलनाडु में बुल का जो फाइट करवाया जाता है, बहुत ही अनइथिकल चीज है ना? यदि एनिमल के साथ भी तो नहीं होना चाहिए ऐसा। जलीकट्टू तुम लोग को ज़्यादा पता होगा जलीकट्टू के बारे में, पोंगल में होता है ये सब चीज़ जलीकट्टू। और दूसरा देखो जैसे ट्रिपल तलाक है, देश का बर्निंग इश्यूज, सबरीमाला, हाँ बिल्कुल, सेक्शन 377 यानी कि होमोसेक्सुअलिटी, ये सब पब्लिक इश्यूज है क्योंकि पब्लिक को ये, हाँ मैरिटल रेप, एक्सीलेंट मैरिटल रेप, बहुत अच्छा, आज का ही इश्यू था है ना? सेक्शन कौन सा सेक्शन है कॉमन? 375 आईबीसी का, ओके। और भी बहुत सारा इशू हो सकता है इसी तरह, एंट्री टू वुमेन इन सबरीमाला टेम्पल, ये भी हो सकता है ठीक है, एबॉर्शन हो सकता है, ये सब पब्लिक इश्यूज है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग लोग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, यानी कि समझ रहे हो तुम लोग कि पीपल जो इसको देखेंगे इस इशू को, पीपल जो एग्जामिन करेंगे आई मीन इवेल्युएट करेंगे इस इशू को, नॉट बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट के बेस में नहीं, बट किसके बेस्ड पे? बेस्ड ऑन पॉलिटिकल एफिलिएशन या पॉलिटिकल इंक्लिनेशन। क्या होता है पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या पॉलिटिकल एफिलिएशन? जैसे मान लो कि हम जी कुमार, यदि हम बीजेपी का समर्थक है
तो बीजेपी वाला आइडियोलॉजी से इस इशू को देखेंगे और हम कहें कैपिटल पनिशमेंट, यदि बीजेपी आइडियोलॉजी सोचता है कैपिटल पनिशमेंट अच्छा है तो हम बोलेंगे ठीक तो है, नो हम कहेंगे जेल कैडियो ठीक तो है, कल्चर का चीज़ है, ठीक तो है, ट्रिपल तलाक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके बाद बोलेंगे सेक्शन 37 ठीक तो है, क्या दिक्कत, एक लड़का एक लड़का कैसे शादी कर सकता है, दोनों एक लड़की कैसे शादी कर सकती है, ये तो अगेंस्ट द नेचर है, समझ रहे हो ना, मैरिटल रेप ठीक तो है, शादी हो गया कुछ भी करे उसका अपना जिम्मेदारी है। तो देखो बीजेपी के विचारधारा से ये हुआ, यदि मैं लिबरल हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, कैपिटल पर गलती से भी नहीं होना चाहिए, कभी तुम इंसान बना ही नहीं सकता, इंसान को मारने का क्या हक है तुमको, देखो स्टैंड चेंज हो गया मेरा, जलीकट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एनिमल राइट्स है, मैं लिबरल हूँ तो देखो ट्रिपल तलाक बिल्कुल बैंड होना चाहिए, सबको इजाजत है, सेक्शन बिल्कुल खत्म करो इस चीज़ को, होमोसेक्सुअलिटी क्या है, एक लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, जब वर्ल्ड वाइड हो ही रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है, लिबरल, मैरिटल रेप बिल्कुल गलत बात है, वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते हो और मैरिटल रेप को कैसे तुम बढ़ावा दे सकते हो। तो देखो दो अलग आइडियोलॉजी हम फॉलो कर रहे हैं, देखते और मेरा जो टेक है डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए कहा जाता है कि पीपल इवैल्यूएट करते हैं मेरिट के बेस पे नहीं, आइडियोलॉजी के बेस पे, पॉलिटिकल एफिलिएशन के, क्योंकि किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ वो ज़्यादा उसका रुझान है उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है, समझ गए, इस चीज़ को लिख लो, उसके बाद मैं बताऊँगा क्या होता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वगैरह भी। पीपल डिसाइड बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इंक्लिनेशन या पॉलिटिकल एफिलिएशन, तेज़ से लिख लो, बात करेंगे हम लोग पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम का, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी समझने का प्रयास रहेगा आज के क्लास में। कंप्लीटेड ना, टॉपिक पॉलिटिकल एटीट्यूड रख दो। अब देखो यहाँ पे समझना होगा कि क्या क्या पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हमारे पास प्रेजेंट है, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, देखो लेफ्ट, अब समझ में आ जाएगा तुमको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, कन्हैया कुमार लेफ्ट है कि नहीं है, बीजेपी राइट है कि नहीं है, क्या है ये सब, ये आइडियोलॉजी होता क्या है, और जो बीच का रहता है उसको क्या बोलते हैं, मॉडरेट बोलते हैं, मैं ये दोनों के बीच में बहुत कुछ है, ये दोनों के बीच में ये एक्सट्रीम लेफ्ट हुआ वो एक्सट्रीम राइट हुआ, इस बीच में बहुत सारे आइडियोलॉजी फिट बैठते हैं। तो देखो ऐसे करते हैं इसको, एकदम लेफ्ट की तरफ एक्सट्रीम चले जाओगे तो वो हो जाता है रेडिकल, और इस प्रोसेस को हम रेडिकलिज्म कहेंगे। यदि राइट की तरफ एक्सट्रीम चले जाओगे, यानी कि एक्सट्रीम राइट हो जाए तो उसको कहेंगे रिएक्शनरी, रिएक्शनरी हो गया ये, तो मैं बताऊंगा सबका डिफाइन करूंगा। और यदि मैं बीच का बात करूं, बीच का ये इस तरफ जा रहा है,
इस तरफ जा रहा है, इसमें बहुत सारे आइडियोलॉजी फिट बैठ रहे हैं बीच में। जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वह रेडिकल नहीं है, बहुत क्लोज है लेफ्ट की तरफ, डेट इज कॉल्ड लिबरल, लिबरल आइडियोलॉजी, ये लेफ्ट की तरफ ही होता है। बीच का जो आइडियोलॉजी है जो कभी इस तरफ भी स्विचेबल हो सकता है, इस तरफ भी स्विचेबल हो सकता है, जैसे कांग्रेस देखो क्लासिकल एग्जांपल है, लिबरल भी है मॉडरेट भी है कुछ कुछ, अभी जिस हिसाब से बीजेपी पॉलिटिक्स करता है उस हिसाब से लगता है कि कांग्रेस भी इस तरफ आने की कोशिश कर रहा है वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, समझ रहे हो ना। तो ऐसे पार्टी को मॉडरेट कहा जाता है, मॉडरेट्स, मॉडरेट्स वर्ड ही है ना, मॉडरेट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और मॉडरेट्स ग्रुप जो आराम से पिटिशंस में बिलीव करता है। तो मॉडरेट्स क्या है, स्विचेबल है, इसलिए देखो इस तरह दोनों एरो हो सकता है, या तो कभी इस तरफ भी जा सकता है कभी उस तरफ भी जा सकता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल बीजेपी पार्टी में नितिन गडकरी जो हाईवे मिनिस्टर है वो कितने मॉडरेट है, कोई रेडिकल विचार नहीं, बहुत लिबरल भी है और कुछ हिंदू का एजेंडा भी लेके चलते हैं, वो किसी भी पार्टी में बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं क्योंकि उनका जो सोच है बहुत मॉडरेट है। तो मॉडरेट का ये बहुत फायदा होता है कि किसी भी पार्टी में किसी भी आइडियोलॉजी पे वो बात कर सकते हैं, ये मॉडरेट हुआ। यदि मैं इस तरफ जाता हूँ इधर लिबरल हुआ तो इधर कंजर्वेटिव है, तो देखो अब डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आइदर लेफ्ट और राइट, अलग अलग पार्टी अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से इवॉल्व होते हैं। जो पार्टी सोशलिस्ट पार्टी तुम्हारा यूएसएसआर का है यानी कि यूनाइटेड रशिया का है, वो जो यानी कि सेम हमारा इंडिया में भी हो, क्योंकि जगह देख के भी आइडियोलॉजी डिफर करता है। जैसे एग्जांपल कम्युनिज्म जो चाइना में होगा, जो ही नहीं है कि यदि वियतनाम भी फॉलो करे तो वही कम्युनिज्म होगा वहाँ पे, ये जगह देख के भी होता है। जैसे डेमोक्रेसी देखो, जैसे एग्जांपल डेमोक्रेसी देखो, हर कंट्री में डेफिनेशन जो डेमोक्रेसी का डिफर करता है। इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत डिफरेंट है कि नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका कंट्री कैसा है, आपके कंट्री के हिसाब से भी आपका आइडियोलॉजी फिट बैठता है। और यदि यहाँ पे लेफ्ट फॉलो किया जा रहा है और दूसरे कंट्री में भी लेफ्ट फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का तौर तरीका सेम होगा, अलग अलग होगा, जो कि इन्वायरमेंट को कोप करेगा उसी हिसाब से आइडियोलॉजी होगा, समझ गए बात को ना। तो लेफ्ट और राइट के बीच में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस होते हैं आइडियोलॉजी के टर्म्स में। यदि हम एक्सट्रीम लेफ्ट चले गए तो उसको रेडिकल कहा जाता है, बताएंगे रेडिकल के बारे में क्या होता है। यदि लेफ्ट की तरफ जा रहा है और उसका जो सोच है बहुत अच्छा है और एक प्रोग्रेसिव थॉट है तो वो लिबरल है, जैसे कहते हैं ना टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर, वो लिबरल है, वो सब लिबरल लोग हैं, ऑन द पेपर का बात कर रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी में हमने देखा है वो भी कुछ लिबरल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी में हमने यूएसएसआर का कहानी देखा, स्टेलिन का, लेनिन का, तो ये कहना भी गलत बात, ये कहना मतलब 100% गलत होगा कि लेफ्ट वाले लोग ज़्यादा अच्छे होते हैं, हम मानने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल ऐसा, क्योंकि हमने देखा है उसमें भी मारकाट बहुत होता है। जैसे केरल देखो बेस्ट एग्जांपल, तो केरल में क्या कॉम्बोट वाला जो एक होता है तुम्हारा कॉमरोड, हाँ कैम क्या क्या बोलते हैं कैमरोड कहा जाता है, वर्ड भूल रहे हैं, कॉमरेड सॉरी कॉमरेड, तो उसमें होता है कि अपने पुत्र को तुम नहीं दे सकते हो, जो लड़के जाएगा वही आएगा। तो मगर अभी जो वहाँ का पिनराई जो है सरकार जो है उसका, तो सन इन लॉ तो है, तो कोई बोले सन इन लॉ है तो वो भी फाइट करके ही गया, तो वो अलग विषय हो सकता है, मगर फिर भी ब्लड वाला खून जो ब्लड वाला रिलेशन है उसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। ये है तुम्हारा लेफ्टिस्ट में ये आइडियोलॉजी है, तो बिल्कुल हर कंट्री में अलग तरीके से चलेगा वो, किसी में इतना स्ट्रिक होगा कि बरने नहीं देगा, चलो सन इन लॉ है तो फिर भी नहीं जाएगा वो। हमारे ऐसे कंट्री में जहाँ पे पूरी तरीके से हमको दिखता है कि सब तो अपना ही बेटा को प्रमोट कर रहा है, तो हम काहे नहीं करेंगे, चाहे आइडियोलॉजी क्यों डिफरेंट क्यों ना हो, समझ रहे हो ना। तो ये जगह देख देख के भी होता है, तो ये लिबरल हो गया, मॉडरेट समझ में आ गया, कंजर्वेटिव मतलब राइट की तरफ जा रहा है। जैसे अभी मैं बीजेपी पार्टी को बोलूं, तो बीजेपी पार्टी बिल्कुल यहाँ फॉलो होता है, कंजर्वेटिव है, वो चाहता है कि पहले वाला ही सिस्टम हो यहाँ पे, है ना, हम पहले जो भारत था उसी तरह भारत करे बढ़े आगे। और यदि एक्सट्रीम चला जाएगा तो रिएक्शनरी हो जाएगा, वो कहेगा कि हु बहु हमको वैदिक काल वाला ही चीज़ चाहिए, समझ रहे हो ना।
वैदिक काल वाला ही चाहिए, वो भी लेटर वैदिक नहीं, अर्ली वैदिक एज वाला चाहिए, तो हालत ख़राब हो जाएगा। जैसे अभी बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कोई कंट्रोवर्सी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जैसे संसद का जो हुआ था, हुआ ना उत्तराखंड में संसद का सभा हुआ, कितना गलत गलत वहाँ से भाषणबाजी हुआ है, जान ही रहे हो, जिसकी वजह से पूरा इंडिया में डिबेट उठा। उसने बोला हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये पूरी तरीके से रिएक्शनरी है आपका, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया इंडिया को। फिर मोहन भागवत आया, बोला कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा पूरा गेम उल्टा पड़ जाएगा। हिंदू राष्ट्र कैसे घोषित कर सकते हो इस कंट्री को, मुश्किल है, अब नहीं होगा, अब क्लॉक बैक नहीं कर सकते हो। यदि हिंदू राष्ट्र घोषित करना था तो 1947 में ही करते, तभी कुछ हो सकता था, अब नहीं होगा जाके। अभी तुम्हारा इतना पॉपुलेशन है, मुस्लिम जनसंख्या है, हिंदू जनसंख्या है, बाकी जनसंख्या है, तो उसको तुम अलग तरीके से नहीं देख सकते हो ना, जब तुम्हारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो जितना भी संप्रदाय है सबको बराबर अधिकार देना होगा। समझ गया ना, ये सब ये टोटल आइडियोलॉजी है। अब इस पे अलग अलग पॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कांग्रेस के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको बीजेपी के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब पार्टी किस तरह का विचारधारा फॉलो करता है। इसमें दुनिया भर का पार्टी हो सकता है, अलग अलग कंट्री का अलग अलग विचारधारा हो सकता है। समझ गए ना, तो समझेंगे कि रेडिकलिज्म क्या होता है, बस इसको समझना है अच्छे से। आज की क्लास में ये सब टॉपिक समझना है, रेडिकलिज्म, लिबरलिज्म, मॉडरेट्स, कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी, आज की क्लास में यही समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये देखो, अब मैंने जैसे कि पहले कहा कि ये आइडियोलॉजी तुमको दिखता है, मगर इसका जो सेटअप है, इसका जो सेटअप होगा यानी कि मॉडरेट्स का, ये पूरी तरीके से डिफरेंट होगा, सेटअप डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज, ये लिख दो, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, सेटअप डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कंट्री का अपना भी स्थिति इन्वायरमेंट डिफरेंट रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडिया में चीज़ लागू होगा वो बाहर भी लागू हो, समझे ना। अब जैसे इंडिया वाला सिस्टम तुम इज़राइल में थोड़ी थोप सकता है, या इज़राइल वाला सिस्टम तुम थोड़ी इंडिया में थोप सकते हो, डिफरेंट है, समझ गया ना। ये जितने भी आइडियोलॉजिकल सेटअप है डिफरेंट है डिफरेंट कंट्रीज़ में, भले ये अलग बात हो कि नाम वैसा ही, जैसे फासिज्म का बात करते हो, हिटलर का है ना, नाजिज्म का बात करते हो, तो देखो इटली में तुम्हारा उसी को फासिज्म कहा जा रहा है, उसमें दोनों में डिफरेंस तो है ही, मगर एक नज़र से देखो सेम लगेगा तुमको कि जहाँ पे एक आदमी रूल कर रहा है कंट्री को और जो हुआ कर दो कंट्री के बेटरमेंट के लिए, बात समझ रहे। तो ये भी एक्सट्रीम हो गया ना, ये भी एक्सट्रीम चला गया, रेडिकल की तरफ चला गया फासिज्म सब। अब बात करते हैं हम लोग रेडिकलिज्म का, रेडिकलिज्म क्या होता है। अच्छा तुम लोग से सवाल है, क्या गांधी जी रेडिकल थे? हाँ बताओ, तो क्या रेडिकल का मतलब हमेशा नेगेटिव ही होगा? मेरा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सही बोली हो, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गांधी जी बिल्कुल बिल्कुल थे, रेडिकल थे। रेडिकल का मतलब हमेशा गलत ही नहीं होता, जैसे कि कहा कोमल ने कि अपने व्यू पॉइंट पे खड़े रहना, उसको उसी को रेडिकल कहते हैं, यानी कि तुम सोसाइटी में पूरा चेंज चाहते हो। अब चेंज लाने का बहुत तरीका हो सकता है, या तो वायलेंट तरीके से ला दो, या फिर पैसिफिस्ट तरीके से ला दो, नॉन वायलेंस के सहारे ला दो। तो गांधी जी तो पूरी तरीके सोसाइटी को चेंज किए कि नहीं किए, अपने पैसिफिस्ट तरीके से, यानी कि नॉन वायलेंस के तरीके से, तो हम इसलिए कह सकते हैं गांधी जी भी पूरी तरीके से रेडिकल है। रेडिकल नेगेटिव वर्ड नहीं है भाई, इसमें जब नेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा तब वो नेगेटिव वर्ड है, बात समझो। उसमें यदि वायलेंट वाला एलिमेंट जुड़ेगा तब जाके वो गलत होगा, समझ गए ना। तो बात समझेंगे हम लोग, रेडिकलिज्म इसका मतलब क्या होता है, लिखो। ये जो रेडिकलिज्म आइडियोलॉजी है, रेडिकलिज्म इसका मतलब क्या होता है। अब देखो रेडिकलिज्म, कोई पार्टी, कोई इंडिविजुअल, कुछ भी, यदि वो पूरी तरीके से डिसेटिस्फाइड है, हाईली डिसेटिस्फाइड विद द सोसाइटी, विद द प्रेजेंट सोसाइटी, वो प्रेजेंट सोसाइटी से पूरी तरीके से क्या है, डिसेटिस्फाइड, और वो चाहता है कि ड्रास्टिकल चेंज आए, यानी कि ऑल टुगेदर चेंज आए, तो वो सब रेडिकल है, समझे ना। क्या वो सभी लोग क्या है, रेडिकल है। इसमें क्या है कि
जैसे एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट हुआ कि नहीं हुआ, रेडिकल एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो रेडिकलिज्म क्या है, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है। जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है ये चैलेंज करते हैं, चैलेंजेस द सिस्टम, इसको पसंद नहीं है, चैलेंजेस द सिस्टम, और चाहते हैं क्या हो, वो चाहेंगे कि मोर ह्यूमन हो, यानी कि जो ज्यादा काम हो वो आदमी के प्रति काम हो, मोर ह्यूमन इनका डिमांड रहता है, समझे। ये कहते हैं कि इगालिटेरियन सोसाइटी होना चाहिए। सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी में इगालिटेरियन होना चाहिए, यानी कि सब बराबर होना चाहिए, इगालिटेरियन सोच रहता है। तो बिल्कुल इस हिसाब से कह सकते हो कि गांधी जी भी क्या है, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, गांधी जी भी रेडिकल है, गांधी जी भी रेडिकल है, क्यों, क्योंकि गांधी जी भी ये सब चीज़ चाहते थे, मगर टूल क्या था उनका, सत्याग्रह था, टूल सत्य के रास्ता पे चाहते थे वो, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, और वो चाहते थे कि ये चीज अचीव कर सके, समझे। तो ये तुम्हारा हुआ। एक्चुअल में रेडिकलिज्म का एम क्या है, देखो एम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एम समझना, इसका एम ये है कि जो गैप है, जो गैप है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक रियटोरिक, रियटोरिक बताऊंगा, जो गैप बिटवीन, यहाँ लिख दो, जो गैप बिटवीन डेमोक्रेटिक रियटोरिक है एंड रियल लाइफ है, रियल लाइफ रियलिटीज है, उस गैप को कम करना, वो गैप को मिनिमाइज करना, क्या होता है इसका मतलब। अब डेमोक्रेटिक हिसाब से कहा जाता है कि सबको आज़ादी मिलना चाहिए, सबको, जैसे कन्हैया कुमार दफली बजाता है ना, गरीबी से आज़ादी, भुखमरी से आज़ादी, दुनिया भर का आज़ादी, आता है कि नहीं आता, उसका वीडियो लीक होता है कि नहीं होता, कन्हैया वो JNU के कैंपस में बजाता है, दफली बजाता है, बोलता है भूख आज़ादी तो केवल कंट्री का आज़ादी नहीं हुआ, आज़ादी भुखमरी से आज़ादी होना चाहिए लोगों को, है ना, जो लोग पकड़ के रखा है, जकड़ा हुआ है, जो दिमाग दूसरे का यूज़ करता है उससे आज़ादी, आप अच्छा पढ़ाई करने से आज़ादी, यानी गलत, यदि गलत पढ़ रहे तो उससे आज़ादी, और अच्छा पढ़ने की तरफ इनकरेजमेंट, इस तरह का बजाया जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक पूरी तरीके से नागरिक को हक है, उसको सही सही चीज़ मिले, जब उसको सही सही चीज़ मिले, और ग्राउंड रियलिटी में सही सही चीज़ मिल ही नहीं रहा, तो दोनों में बहुत गैप हुआ कि नहीं गैप हुआ, यही गैप को घटाने का काम रेडिकल करता है, समझ में आया, यही गैप को घटाने के लिए, इसलिए कहते हैं कि लेफ्टिस्ट केवल भारत का आज़ादी नहीं बोलता, टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर कहा जाता है, देखो ज़्यादा समझो ना, मैं वो कभी देश का, यदि कोई देश को तोड़ने का बात करता है तब तो टुकड़े टुकड़े गैंग का मेंबर हो गया, वो गलत बात है, कभी भी देश का तोड़ने का बात हंसी मजाक से भी नहीं करना चाहिए, जैसे फ्लैग का अपमान हंसी मजाक से भी नहीं करना चाहिए, उसी तरह देश का सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई बात करता है तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, गलती से भी नहीं बोलना चाहिए, और यदि आप मंच पे फोरम पे बोल रहे तो ये तो कुछ एक्सट्रीम हो गया, ऐसा गलती से भी नहीं बोलना चाहिए, कहने का मतलब ये है, मगर यदि आपको भुखमरी से आज़ादी चाहिए तो बिल्कुल आप ये रेडिकलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि जो गैप है डेमोक्रेटिक रियटोरिक, रियटोरिक मतलब जो थ्योरी पे डेमोक्रेसी आपको देता है कि आपको ये मिलेगा आपको वो मिलेगा, मगर रियल लाइफ रियलिटीज जो देखते हो कुछ नहीं मिलता, आपको PDF सिस्टम भी नहीं मिलता है, दोनों के बीच में गैप हुआ कि नहीं हुआ, इस गैप को ख़त्म करना, ये तुम्हारा एम है रेडिकलिज्म का। देखो गांधी जी भी यही किए थे, गांधी जी सोचते थे कि UK जो यूनाइटेड किंगडम इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स की बात करता है, कितना लोग को मारा हमारे इंडिया में, बड़ा बड़ा प्रोटेस्ट होता था, जैसे जलियांवाला मासाकर का एग्जाम्पल देख लो, तो फिर ये भी तो बहुत ज़रा गैप हुआ, तो गांधी जी अपने टूल सत्याग्रह और नॉन वायलेंस से पूरा लड़े हैं, ही वॉज अ रेडिकल पर्सन, रेडिकल पर्सन पॉजिटिव सेंस में रेडिकल पर्सन है, आफ्टर इन्होंने आज़ादी दिलाया हमें, तो ही वॉज अ रेडिकल पर्सन, ही बिलोंग टू द रेडिकलिज्म आइडियोलॉजी, लिख लो इस चीज़ को, लिख लिया ना, समझ में आया ये चीज़ क्या होता है रेडिकल। अब यहीं पर पोलिटिकल पार्टी यदि इस तरह का आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है तो कहेगा क्या, मैं रेडिकल, बोलने में कोई हर्ज नहीं। अभी ये समझोगे ना तभी तुम लोग को समझ में आ जाएगा पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या, बिल्कुल यहीं से
पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं समझोगे तो पॉलिटिकल एटीट्यूड कैसे समझोगे? नाउ विल सी लिबरलिज्म, लिबरलिज्म लेफ्ट की तरफ जो मूव कर रहा है, देखो लिबरलिज्म का मतलब क्या है? लिबरलिज्म का मतलब है कि ये सब्सक्राइब करता है, यानी कि लेता है सब्सक्राइब कोर वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। जो कोर वैल्यू है सोसाइटी का उसको ये एडॉप्ट करता है। सब्सक्राइब मतलब क्या होता है? एडॉप्ट करना या एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करता है जो सोसाइटी का जो कोर वैल्यूज है, यानी कि सोसाइटी ऐसा होना चाहिए, सोसाइटी वैसा होना चाहिए, इस तरह का मान्यता है। यानी कि लिबरलिज्म वाला जो आइडियोलॉजी है ये ओपन टू चेंज, ये चेंज होने के लिए तैयार है पूरी तरीके से। जैसे होमोसेक्सुअलिटी बहुत दिन से चल रहा है कि ये बैंड है, मगर लिबरल क्या बोले एक नो, होमोसेक्सुअलिटी अलाउ कर दो, कोई बात नहीं है, एक लड़का लड़का शादी कर सकता है, एक लड़की लड़की शादी कर सकती है, ओपन टू चेंज। वो पहले जो चल रहा था उसके ठीक विरोध में ही आया बोलने के लिए, ये इसलिए बोलने के लिए आया ताकि सोसाइटी किसी तरह प्रिजर्व होके चले, लिबरल माइंडसेट है। अभी जितना वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ते हो ना सब में ये चीज़ आ जाता है पढ़ते पढ़ते, जो पूरी तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन बनाई है लिबरलिज्म पे बेस्ड पे, क्योंकि ज़्यादा बेटर है ये, क्योंकि ये लॉजिकल थिंकिंग हमें समझाता है। बात समझ रहे हो ना? ये पूरी तरीके से क्या है तुम्हारा? ओपन टू चेंज। किस लिए चेंज करना चाहते हो? यदि सोसाइटी में कोई डिफेक्ट्स है तो उसको खत्म करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए, यस आई एम ओपन टू चेंज। समझ गए ना? इसमें लिबरल बिलीव करते हैं कि जो सरकार है, गवर्नमेंट जो है, दिख रहा है तुम लोग को रिक सर? नहीं दिख रहा है? इंक भरना पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ कुछ खराब हो गया है। यहाँ पे देखो ये भी वैसा ही है। लिबरल बिलीव करते हैं, देखो हाँ इसमें लिबरल बिलीव करते हैं, लिखो लिबरल बिलीव्स, बिलीव कि जो सरकार है गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इंडिविजुअल राइट है लोगों का, जो इंडिविजुअल राइट है लोगों का उसको प्रोटेक्ट करे, उसको प्रोटेक्शन मिले। बात समझे ना? अब देखो यदि मैं लिबरलिज्म का बात करूं तो लिबरलिज्म दो टाइप का हो सकता है, दो नहीं तीन टाइप का हो सकता है। मैं जो ट्रेडिशनल है, जो पहले का तौर तरीका है, उसके हिसाब से तुम लोग को जानना होगा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म, दो टाइप्स का हो सकता है लिबरलिज्म। एक है तुम्हारा क्लासिकल लिबरलिज्म, एक है मॉडर्न लिबरलिज्म, पूरा लिख लो मॉडर्न लिबरलिज्म। क्या होता है क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म? लिख लिया नहीं जी? कोई दिक्कत है समझने में? कोई प्रॉब्लम है? लिबरलिज्म का मतलब क्या है? ओपन टू चेंज। क्या हो? ओपन टू चेंज हो। जैसे एग्जांपल देखो, सबसे पहले हम लोग क्लासिकल लिबरलिज्म का बात करते हैं, सीएल का बात करते हैं। अब देखो क्लासिकल लिबरलिज्म या ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ? तो ये जब उस समय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, स्टार्टिंग का जो कैपिटलिज्म का जो राइज है, तो वहां पे क्या बोला गया कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, फ्री ट्रेड। यानी कि फ्री ट्रेड का मतलब क्या कि जो मार्केट में, मार्केट ड्राइव करेगा, मार्केट कैसे चलेगा? डिमांड और सप्लाई चेन सिस्टम से, है ना? बिल्कुल लेसेस फेयर डॉक्ट्रिन से चलेगा, कंट्री होल्ड नहीं करेगा प्रोडक्शन के ऊपर। समझ में आ रहा है कुछ भी क्या बोल रहे हैं? डिमांड और सप्लाई का यही चेन सिस्टम होता है कि पूरी तरीके से मार्केट ही डिसाइड करेगा कि क्या चाहिए लोगों को। तो ये पहला दौर है क्लासिकल लिबरलिज्म का, जहाँ पे कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है पनप रहा है। समझ रहे हो ना?
इसका फायदा क्या होगा कि भी मार्केट खुद ही डिमांड और सप्लाई, यहाँ पूरा लिख देना अच्छे से, डीएस मत लिखना कभी जिंदगी में, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई, ये क्यों ऐसा क्यों, ताकि फायदा किसका हो, पब्लिक गुड को, पब्लिक को फायदा हो। आफ्टर ऑल मार्केट से फायदा किसको होता है, पब्लिक को फायदा होता है, जो पब्लिक बेटर है, जो आदमी बेटर सर्विस दे सकता है, गुड्स दे सकता है, वो आगे पहुंचेगा, राइज करेगा। बाकी आइडियोलॉजी में क्या होता है कि यदि सरकार पूरी तरीके से प्रोडक्शन पे कंट्रोल करती है तो सबको घर घर पहुंचा देगी खाना, तो इसमें लोगों का एफिशिएंसी क्या होगा, जब तक लोग काम नहीं करेगा और खाना नहीं मिलेगा तब तक लोग फिर डिस्करेज हो जाएगा ना। अब बोल दो कि घर में कोई बात नहीं, काम करो नहीं करो हम तुमको पैसा दे देंगे, तो आदमी तो बैठा है इसलिए कहीं से फ्री मिल जाए उसको, मगर काम करना जरूरी है, कुछ भी काम करो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, काम करना जरूरी है। तो ये कैपिटलिज्म भी पूरी तरीके से यही चीज़ है कि यदि हम बेस्ट किए तो हम शिखर पे जाएंगे, यदि वर्स किए तो और नीचे चले जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो ये उस समय का दौर है, यानी कि स्टार्टिंग का क्लासिकल लिबरलिज्म है जो कि पूरी तरीके से कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। होप सो समझ में आ गया होगा। अब इसमें समझना होगा कि अर्ली जो है, यानी कि स्टार्टिंग में क्लासिकल लिबरलिज्म का डेफिनेशन क्या था कि इंडिविजुअल को, जैसे देखो उस समय चर्च का मोनोपोली बहुत था कि नहीं था, चर्च का पूरा मोनोपोली था, चर्च जो बोल दिया यदि रात को भी दिन बोल दे तो मानना पड़ेगा तुम लोग को, यानी कि इंडिविजुअल का, यानी कि फ्री इंडिविजुअल को पूरी तरीके से आजादी होना चाहिए रिलीजियस डॉक्ट्रिन फॉलो करने का, जो फॉलो करना है फॉलो करो, जो नहीं है कि बाइबल के हिसाब से ही फॉलो करे, इंडिविजुअल हैव फुल फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजियस डॉक्ट्रिन, कुछ ही फॉलो कर सकता है वो, समझे ना। और ये चाहता था, क्लासिकल लिबरलिज्म चाहता था कि गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो, सरकार क्या हो, अकाउंटेबल हो। यदि सरकार अकाउंटेबल नहीं होगा तो सरकार तो मनमानी करना शुरू कर देगा, यदि अभी बोल दें कि मोदी जी को कुछ भी चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं डालने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए एक डेमोक्रेसी का पहचान ही होता है अकाउंटेबिलिटी, लोकसभा में आकर उसको बोलना पड़ता है कि हमने ये किया हमने वो किया, यदि लोकसभा में गलत बोल दोगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लग जाएगा, तुम्हारा सरकार गिर जाएगा, बात समझे ना। तो यही तुम्हारा क्लासिकल लिबरलिज्म है जहाँ पे कहता है कि गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, यानी कि कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी का जो एलिमेंट है वो तुम्हारा क्लासिकल लिबरलिज्म ही लेके आता है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है कि नहीं है, इसका मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल आगे ये डेमोक्रेसी को पनपने देता है, ये कह सकते हो यहाँ से डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्रिएट होता है ये क्लासिकल उससे। इसमें और देखो ये भी कहता है कि क्लासिकल लिबरलिज्म ही है, ये कहता है कि कोई भी चीज़ ना सेपरेशन ऑफ पावर हो, यानी कि पावर एक जगह कंसंट्रेटेड ना हो। यदि किंग जुडिशरी का रोल प्ले करने लगे तो एग्जीक्यूटिव का रोल कैसे प्ले करेगा, समझ में आता है ना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ पावर हो, लेजिस्लेटिव अलग हो, एग्जीक्यूटिव अलग हो और जुडिशरी अलग हो, तीनों अलग विंग हो, सुप्रीम कोर्ट अलग होना चाहिए, मोदी जी का गवर्नमेंट अलग होना चाहिए और पार्लियामेंट अलग होना चाहिए, एक ही आदमी यदि तीनों तंत्र को पकड़ लिया तो फिर मोनोपोली हो जाएगा यहाँ पे, फिर चेक एंड बैलेंस कैसे होगा। तो ये क्लासिकल लिबरलिज्म है जो इस तरह का बात को आगे बढ़ाता है। तो कहने का मतलब ये कि क्लासिकल लिबरलिज्म की वजह से ही डेमोक्रेसी आया है, समझ रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट। तो यही डेमोक्रेसी, आप जो कंट्री इस चीज़ को फॉलो करेगा चाहे कोई भी पार्टी हो वो सब तुम्हारा ये लिबरलिज्म में आ जाएगा, क्योंकि ये ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी को पनपने देता है। यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स का बात होता है, डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल राइट्स का बात होता है कि नहीं होता, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से बात हो रहा है हमारा, देख लो पूरी तरीके से उठा के, समझ में आया ना ये चीज़। तो देखो यहाँ पे इसमें क्या है कि इसमें कहता है कि देखो गवर्नमेंट का जो रोल है वो भी लिमिटेड है, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट जहाँ हुआ वहाँ पे चला गया इंटरफेयर करने के लिए, तो गलत बात है, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए। और जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का जो रोल है ना पब्लिक सर्विस में बहुत होना चाहिए। पब्लिक सर्विस का मतलब क्या हो, सैनिटेशन, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब चीज़ में गवर्नमेंट को प्रोएक्टिव मेजर्स लेने चाहिए, बहुत ज़्यादा उसका पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखते हो कितना निकम्मा सरकार है, कई सरकार कुछ काम नहीं करता है एजुकेशन के नाम पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो ना, एजुकेशन के लिए काम करना चाहिए, ये क्लासिकल लिबरलिज्म है। यानी कि शुरू में ही लिबरलिज्म का जो हुआ है वो बात उठा है, तो कह सकते हो कि यस ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सोशलिज्म को प्रभावित करता है। सोशलिज्म का भी यही है, जितना भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है पूरी तरीके से सरकार उसका वो ले, ब्यौरा ले और सरकार पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करे ग्राउंड लेवल पे,
तो पब्लिक सर्विस जितना भी हो गया तुम्हारा एजुकेशन सोशल वेलफेयर ये पूरी तरीके से सरकार का जिम्मेदारी है, लिख लो वहां पर, ये सरकार का जिम्मेदारी है। अब बात करेंगे हम लोग मॉडर्न लिबरलिज्म का, समझ गए ना ये क्या है लिबरलिज्म। टू टाइप्स का लिबरलिज्म हो सकता है, एक क्लासिकल हो सकता है, एक मॉडर्न हो सकता है। हो गया, लिख लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है उसी की वजह से डेमोक्रेसी वाला जो फीचर्स हुआ आया है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। अब हम लोग जानेंगे मॉडर्न लिबरलिज्म के बारे में कि मॉडर्न लिबरलिज्म क्या है। देखो मॉडर्न लिबरलिज्म, देखो मॉडर्न लिबरलिज्म कैसे तुम करोगे कि यस गवर्नमेंट को जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है खुद ही बनाना होगा। यदि सरकार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगी तो कौन करेगा, यानी कि उसके उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, उस एलिमेंट को आगे जाके एक सेंटर स्टेज ले लेता है। लिबरलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आने वाले समय में और इवॉल्व होगा। अभी जो लिबरल आइडियाज है आने वाले समय में और तगड़ा हो जाएगा, और ओपन हो जाएगा। जैसे हम लोग अपने जो हमारे पिताजी जितना लिबरल थे हमसे, आने वाले समय में हम और ज़्यादा लिबरल हो जाएंगे अपने जनरेशन से। तो लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट क्या है, वो और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, वो रुकने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, वो और फैलने वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा जाता है कि ये आइडियोलॉजी यानी कि जो मॉडर्न लिबरलिज्म है, इसमें कहा जाता है कि गवर्नमेंट को, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करे, वो प्राइवेट पे ना टिका रहे, वो बनाए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो प्रमोट करे, हॉस्पिटल वो प्रोवाइड करे और प्रोवाइड करे, जितना हॉस्पिटल बढ़ाएगा उतना मानव कल्याण होगा। मॉडर्न लिबरलिज्म कहता है कि बिल्कुल वेलफेयर होना चाहिए, जितना वेलफेयरिज्म होगा उतना बेटर है। मॉडर्न लिबरलिज्म कहता है कि यस मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए। मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या है, वही चीज़ देखो है, वही सब आइडिया, मगर जमाने के साथ क्या होता है इसमें और चेंजेस आते हैं। आखिर लिबरलिज्म तो लिबरलिज्म ही रहेगा, एक क्लासिकल लिबरलिज्म है क्योंकि वो क्लासिकल एरा है, वो पुराना दौर है, जस्ट पनपा है वो आइडियोलॉजी। अब ये क्या है कि अब आवश्यकता है इस आइडियोलॉजी का, क्योंकि यदि कैपिटलिस्ट तुम ले लोगे तो उसमें तो क्या होगा, जान ही रहे हो, ऑक्सफर्म का रिपोर्ट भी जानते हो कि इनइक्वलिटी का और दायरा बढ़ते चला जा रहा है, रिच और रिच होते चला जा रहा है, गरीब और गरीब होते चला जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं तो आपको जाकर रोकना होगा। कैसे 12 ड्रॉप आउट अडानी कैसे एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं है। तो उस सब चीज़ को आपको रोकना होगा। तो यही तुम्हारा मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी को पनपने देना चाहिए। मैं ये ध्यान रहे मार्केट इकोनॉमी पन पे मैं ध्यान है कि ग्रेटर गुड होना चाहिए। ग्रेटर गुड जानते ही हो कि मैक्सिमम को बेनिफिट पहुँचे, मैक्सिमम बेनिफिट हो, यानी कि कौन सा अप्रोच है ये, हाँ यूटिलिटेरियन या कॉमन गुड अप्रोच, ठीक है ना, मैक्सिमम क्या हो, बेनिफिशियल हो इसमें। समझ गए ना, ये तुम्हारा क्या हो, मॉडर्न लिबरलिज्म, यानी कि चीज वही है, इसमें थोड़ा सा कुछ चीज को लेके ज्यादा हाईलाइट किया गया है। हम अब बात करूंगा मैं कॉन्टेम्प्रेरी लिबरलिज्म जो अभी के हिसाब से, क्योंकि अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है, मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बहुत कुछ चेंज हुआ है अभी। ये मॉडर्न लिबरलिज्म का कब का बात है, ये मॉडर्न लिबरलिज्म तब हुआ, ये मॉडर्निज्म आया कब, ये जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब हुआ, जानते हो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1850 के बाद बहुत तेजी से बढ़ा है। जब तेजी से बढ़ा है तो यह सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले कि मार्केट इकोनॉमी पनप रहा है, अच्छी बात है, मगर ग्रेटर गुड हो उसका। क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि बहुत डिवाइड होना शुरू हो गया, वर्कर क्लास और नीचे चला गया और कैपिटलिस्ट क्लास और बढ़ते चला गया, इसलिए इतना बड़ा रशिया का आंदोलन हो जाता है कि नहीं है, रशियन रिवोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मॉडर्न जो लिबरलिज्म है,
ये मॉडर्न एज की तरह है। मॉडर्न एज मतलब क्या, हम जब इंडियन नेशनल मूवमेंट का बात करते थे, ये मॉडर्न इंडिया है कि नहीं है? मॉडर्न इंडिया है वो सभी चीज। मॉडर्न इंडिया मतलब क्या है कि जो औरंगजेब है, औरंगजेब के डेथ के बाद यानी कि 1707 के बाद नेहरू जी का डेथ तक हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न इंडिया। तो बात समझो ना, 1707 है ये, देखो 1750 के बाद है यानी कि 1850 में, तो ये आ जाएगा मॉडर्न लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट। हाँ आई आर मगर फुल फ्लेज में 1850 के बाद बनना शुरू हुआ ना। आई आर तो 1750 में शुरू हो गया, उसके बाद तुम्हारा बाकी कंट्री में गया, जर्मनी सब में गया, नेपोलियन लेके गया उसको, मतलब ट्रू फेस में ये 1800 के बाद हुआ है, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ओपन पाई, इसलिए 1850 कह सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ हुआ, मगर यहाँ पे देखो कि ये मॉडर्न लिबरलिज्म है, यानी कि मॉडर्न लिबरलिज्म मतलब अभी का नहीं है, ये भी 100 साल 150 साल पहले का फेनोमेना है। मतलब जो अभी का जो फेनोमेना है, जो देखोगे 30 साल 40 साल का, वो क्लासिकल लिबरलिज्म है, सॉरी वो कॉन्टेम्प्रेरी लिबरलिज्म है। फिर इसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा इसके हिसाब से, इसमें और भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, समझ रहे हो ना। ये इवॉल्विंग है, अभी हो रहा है, और आने वाले समय में इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पूरी तरीके से हम फिर से जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, जो क्लासिकल लिबरलिज्म, उसको फिर से हम रिवाइव कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म को रिवाइव कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि यस, मार्केट इकोनॉमी को पनपने दीजिए, अच्छी बात है, माइक्रो मार्केट इकोनॉमी हो, मगर साथ साथ गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन होना भी जरूरी है, सही बात है कि नहीं है। यदि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेगा तो अंबानी क्लास केवल आगे बढ़ते चला जाएगा, बाकी क्लास फेल कर जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ इंटरवेंशन होता है वो करना चाहिए उसको। जैसे वोडाफोन इंडिया का क्लासिकल एग्जाम्पल देखो, 36% स्टेक लिया कि नहीं लिया, यदि नहीं लेता तो पूरी तरीके से वोडाफोन इंडिया पूरा करप्ट हो जाता, खत्म हो जाता वो पूरी तरीके से, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये जो कंटेम्प्रेरी लिबरलिज्म है, पूरा क्लासिकल लिबरलिज्म को फिर से एक बार लेके आ रहा है, क्यों, क्योंकि मॉडर्न लिबरलिज्म में क्या हुआ कि मार्केट इकोनॉमी को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया, जहां पे सरकार का उतना कोई वो है ही नहीं, सरकार का इंटरवेंशन ही नहीं है, बस बोला जा रहा है कि ग्रेटर गुड होना चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिशियल होना चाहिए। मैं फिर से समझा गया कि मॉडर्न लिबरलिज्म की वजह से तो तबाही मच गया, लोग और अमीर होते चले गए और लोग और गरीब होते चले गए, बिकॉज ऑफ द कैपिटलिस्ट टेंडेंसी। तो फिर यहाँ पे फिर से वही बात है कि जो पहले क्लासिकल लिबरलिज्म में था, जहाँ पे बात किया जाता था कि सब गरीब को भी बराबर का हक मिलना चाहिए, तो ठीक है मार्केट इकोनॉमी को खोल दो, और साथ साथ गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन भी होना चाहिए ताकि वेल्थ कंसंट्रेट ना हो एक आदमी के बीच में। तो घूम फिर के बात वही है, और उसमें क्या है कि हम प्लग लगा रहे हैं और लिबरलिज्म को और ठीक करने के लिए विद पैसेज ऑफ टाइम, समझ रहे हो, होप सो समझ में आ गया होगा। तो यानी कि हम पूरा लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट समझे, ये चलो एक तुम्हारा एक तीन अलग अलग युग है, एक क्लासिकल युग है, एक मॉडर्न युग है, और एक तुम्हारा कंटेम्प्रेरी युग है। मैं ऑल टुगेदर यदि लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट लोगे तो लिबरलिज्म क्या कहता है तुम्हारा, कि बिल्कुल इंडिविजुअल राइट होना चाहिए, लिख लो यहाँ पे, यानी कि तीनों को हम मर्ज कर दे तो ये इंडिविजुअल राइट पे बात करता है। दूसरा क्या है तुम्हारा, प्लुरलिटी, यानी कि जो सोचने का तरीका है, प्लुरलिटी वेज ऑफ थिंकिंग, ठीक है, प्लुरलिटी वेज ऑफ लाइफ होना चाहिए, यानी कि जीने का तरीका हजार तरीका हो सकता है, एक तरीका जरूरी नहीं है। इसमें हम मिडिल क्लास का जो है, मिडिल क्लास का जो राइट है, मिडिल क्लास का जो राइट्स है उसको बचाने का बात करते हैं, प्रोटेक्ट करने का बात करते हैं। यदि मिडिल क्लास नहीं बचेगा तो पूरा तबाह हो जाएगा कंट्री, समझ रहे। इसमें हम रिलीजियस माइनॉरिटी को भी हक देते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी को भी हम क्या करते हैं, हक देते हैं, ठीक है। वर्किंग क्लास, जो वर्किंग क्लास है उसका भी हम प्रोटेक्शन का बात करते हैं। पोअर पीपल, पोअर का भी हम राइट्स का ख्याल करते हैं। तो ये तुम्हारा समरी है तुम्हारे लिबरलिज्म का, समझे ना। देखो गरीबी से आज़ादी, देखो तो सबको जोड़ दो, यही है तुम्हारा ऑल टुगेदर, अब तो समझ में आ गया। अब हम मॉडरेट्स का बात करेंगे। तो दो आइडियोलॉजी है, वी हैव कवर्ड। सेकेंड आइडियोलॉजी में हमने तीन क्लासिफिकेशन किया है, पहला रेडिकलिज्म था, रेडिकलिज्म बता दिए हैं, ये लिबरलिज्म है। अब बात करते हैं हम लोग मॉडरेट्स के बारे में। तो मॉडरेट्स तो जान ही रहे हो, बहुत स्विचेबल चीज़ है, वो इधर भी आ सकता है उधर भी जा सकता है समय के साथ साथ। ये देखो क्लास में क्या चर्चा हो रहा है, क्लास में आइडियोलॉजी पे चर्चा हो रहा है। ये आइडियोलॉजी समझोगे तभी जाकर पॉलिटिकल एटीट्यूड समझोगे, तुम्हारा जो सिलेबस का हिस्सा है, लिख लिए, समझ में आ गया सभी चीज।
अब ये याद करेंगे बहुत नहीं कि मॉडर्न लिबरलिज्म ये होता है वो होता है, ऑल टुगेदर ये समझ गए बहुत, वो हम दे दिए क्लासिफिकेशन करवा दिए, उतना जरूरी नहीं है। मॉडरेट्स अब मॉडरेट्स का मतलब क्या है, मॉडरेट्स बहुत सारे चीज को कंबाइन करेगा, कुछ इधर लेफ्ट का भी लेगा ये करेक्ट, क्योंकि इसमें हम लोग एरो ऐसा वाला एरो लगाए थे याद है तुम लोग को, यानी कि कभी इधर भी जाएगा कभी इधर भी जाएगा, तो दोनों एलिमेंट ये लेके चलेगा मॉडरेट्स। इसलिए बोलते हैं कांग्रेस मॉडरेट्स हैं, कभी कभी पूरी प्योर मॉडरेट्स का रोल प्ले करता है और कभी कभी वो लिबरल का रोल प्ले करता है कांग्रेस। तो देखो मॉडरेट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे मॉडरेट्स पूरी तरीके से कंबाइंड डेमोक्रेसी को भी लेके चलता है, यानी कि लिबरल वैल्यूज को, डेमोक्रेसी प्लस इंडिविजुअल फ्रीडम को भी लेके चलता है। इंडिविजुअल फ्रीडम कहाँ से, कैपिटलिज्म वाला प्रोसेस, कैपिटलिज्म प्रोसेस। और यहाँ पे ये फिर कलेक्टिव ओनरशिप का ही बात करता है, देखो कितना डिफरेंट है, यानी कैपिटलिज्म का ही बात मानता है कि इंडिविजुअल होना चाहिए, मैं फिर कलेक्टिव ओनरशिप का बात करता है। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या है कि स्टेट का कलेक्शन हो, स्टेट का कंट्रोल हो, यही हुआ जी कलेक्टिव ओनरशिप। यानी कि दोनों विचारधारा है इसके अंदर, इसके अंदर कैपिटलिस्ट वाला भी चीज है और इसके अंदर तुम्हारा सोशलिस्ट वाला भी प्रिंसिपल है, दोनों ही प्रेजेंट है। क्योंकि कैपिटलिस्ट मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम, कैपिटलिस्ट का मतलब इंडिविजुअल फ्रीडम ना, पूरा मार्केट को हम इंडिविजुअल देंगे, पूरा देंगे, अधिकार देंगे, जैसे करना वैसा करो, मगर एट द सेम टाइम कलेक्टिव ओनरशिप भी चाहता है ये। दोनों विरोधाभास ये हुआ कि नहीं हुआ, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दोनों अलग विचारधारा हुआ, तो उसको दोनों को कंबाइन करके चलता है मॉडरेट्स, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे प्लानिंग देखो, यहाँ पे पूरी तरीके से कम्युनिज्म का ही बात है, यानी कि प्लानिंग फ्रॉम कम्युनिज्म, जो प्लानिंग होता है वो तुम्हारा कम्युनिज्म पर्सपेक्टिव से होता है, वही कम्युनिज्म मतलब वही सोशलिज्म, समझ गए ना, अभी के लिए सोशलिज्म। अब देखो ये कहते हैं कि नॉट सो मच एनर्जेटिक, नॉट एनर्जेटिक टू चेंज, जैसे रेडिकल का हम क्या देखते थे कि वेरी वेरी ईगर टू चेंज, यही था कि नहीं था, मैं ये एनर्जेटिक नहीं होता, ये चेंज नहीं लाना चाहता है, नॉट एनर्जेटिक टू चेंज, बट कंजर्वेटिव से, जो कंजर्वेटिव है, जो राइट के बारे में पढ़ोगे कुछ देर बाद, बट कंजर्वेटिव की तुलना में ये ज़्यादा क्या है तुम्हारा एनर्जेटिक है, मॉडरेट्स क्या है ज़्यादा एनर्जेटिक है चेंज के लिए। मगर यदि मैं बात करूँ लिबरल, मैं बात करूँ एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट या लिबरल का, उसके कंपेयर में ये चेंज लाना नहीं चाहता है, मगर कंजर्वेटिव के तुलना में ये ज़्यादा तुम्हारा चेंज लाना चाहेगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये दोनों लाई करता है, बीच में लाई करता है, इसलिए समझ में आया ये चीज क्या बोले हैं। हाँ सॉरी, क्या तुम्हारा कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है क्या, अच्छा जी बैठोगे अभी अभी भरने में लगता है तुम लोग का, तो भर सकती हो इंग, हाथ में लग जाएगा, छोड़ दो रहने दो, जो बोल रहे हो उस तरह लिखो ना, सुनकर लिखो, डेमोक्रेसी प्लस इंडिविजुअल, ये लिख लिया ऊपर वाला सब चीज़ हो गया। यहाँ पे देखो नॉट एनर्जेटिक टू चेंज, यानी कि वेलकम नहीं करता है चेंज को, किसके फॉर्म में, किसके विषय विष, एक्सट्रीम और लिबरल के विषय विष, ये देखो ये दोनों बहुत चाहते हैं चेंज हो सोसाइटी में, इसलिए दुनिया भर का थ्योरी लेके आते हैं लिबरलिज्म इंडिविजुअल राइट देना चाहिए ये वो, दुनिया भर का रेडिकलिज्म में क्या पढ़े थे कि दोनों को गैप को किसी तरह खत्म करना, यानी कि वो चेंज ला के खत्म करना, ऐसे कैसे हो सकता है। मगर कंजर्वेटिव की तुलना में ये ज़्यादा रिफॉर्म्स चाहेंगे फिर, क्योंकि कंजर्वेटिव चाहेगा कि एज इट इज़ रखो सोसाइटी को, जो बोले हैं तुम लोग को, जो एक्सट्रीम राइटिस्ट होगा वो चाहेगा कि सोसाइटी पहले जो अर्ली वैदिक एज में था वही होना चाहिए अभी भी, तो वो तो कोई चेंज लेने के लिए तैयार ही नहीं है, मैं उसके कंपेयर में इसको चेंज चाहिए, मैं इसको उतना चेंज नहीं चाहिए जितना चेंज लिबरल और तुम्हारा लेफ्टिस्ट को चाहिए, ये समझो, ये बीच में लाई करता है, होप सो समझ में आ गया होगा। ये देखो तो इसका मतलब जो ग्राउंड है ये पूरा मिडल ग्राउंड है, कह सकते हो मिडल ग्राउंड है, जब इसका मिडल ग्राउंड है तो ये अच्छे से स्विचेबल हो सकता है। स्विचेबल मतलब क्या है, या तो फिर इधर
लेफ्ट में जा सकता है या फिर राइट में जा सकता है, या फिर राइट में जा सकता है या लेफ्ट में जा सकता है, आराम से अपना विचारधारा को चेंज कर सकता है, स्विचेबल है ये। बहुत सारा पार्टी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत सारा पार्टी दो समझ ही लेते हैं, मॉडरेट्स, अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिज्म जो विचारधारा है, क्या होता है कंजर्वेटिज्म? कोमल बताओ कंजर्वेटिज्म क्या होता है? हाँ, ये पूरी तरीके से जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है, जो पुराना जो चीज लिख लो, ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, उसी पे चलने वाले लोग सब हैं, कहते हैं कि उसी को बढ़ाओ, कोई नया चीज क्या जरूरत है, वही सब चीज तो बढ़िया तो था। और जब ये एक्सट्रीम हो जाता है तो ये रिएक्शनरी हो जाता है, समझ गए ना? ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड इंस्टीट्यूशन, उसी को बढ़ाना होगा, समझे? इसमें कहते कि देखो ह्यूमन बीइंग क्या है, ह्यूमंस को मोरली करेक्ट किया जा सकता है, मोरली सही किया जा सकता है यदि उसके ऊपर कोई सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज लाया जाए तो। सोशल या पॉलिटिकल चेंज आएगा तो आदमी मोरली करेक्ट होगा, ये आइडियोलॉजी बिलीव करता है, बोलता है ना, ए तुम वंशज है हनुमान जी का, राम जी का, गलत काम मत करना, भगवा भगवा रंग, क्या है सब? कंजर्वेटिज्म है, भगवान देख लेंगे ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए हैं, क्या है? कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी है, यानी कि हम मोरली और सोशली चेंज ला के लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब मोरली और सोशली पूरी तरीके से ट्रेडिशनल वैल्यूज और इंस्टीट्यूशन पर टिका हुआ, जैसे शुद्धि मूवमेंट देखो ना, जो आर्य समाज का जो शुद्धि मूवमेंट चला था बहुत पहले, बिल्कुल इसी पे बेस्ड होगा, कंजर्वेटिज्म पे बेस्ड है। और जब ये एक्सट्रीम हो जाए तो वो रिएक्शनरी हो जाता है, जहाँ पे हम बोले हैं कि माइनॉरिटी को कोई अधिकार ही नहीं रहने का, क्योंकि हमारा राज्य क्या है, हमारा कंट्री क्या है, हिंदू राष्ट्र है, तो वो रिएक्शनरी हो गया। ये एक पॉइंट और आगे है कंजर्वेटिज्म, एक पॉइंट और आगे जाए तो रिएक्शनरी मिलेगा उसको, बात समझे? यानी कि इसमें पूरी तरीके से क्या है, लिखो इसमें, यानी कि ट्रस्ट इसमें, रुको रुको इसमें, हाँ इसमें कह रहा है कि जो ह्यूमन अफेयर्स होना चाहिए, यानी कि आदमी का जो तौर तरीका होना चाहिए, वो पूरी तरीके से ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर क्या है? वही पॉलिटिकल, कल्चरल और तुम्हारा रिलीजियस। अब है तो हमारे पास मनुस्मृति, उसे फॉलो नहीं कर सकते क्या? समझ रहे हो ना बात को? उस हिसाब से आदमी को कंडक्ट करना चाहिए, यानी कि लिबरल विचारधारा कुछ नहीं है इसमें, जो पहले वाला जो प्रेजेंट था उसी को लेकर चलना है। जैसे बेस्ट एग्जांपल देखो, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में एक तरफ कंजर्वेटिज्म वाला भी एलिमेंट आगे बढ़ा था, जहाँ पे हम फिर से सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का बात किए, फिर से हम जो पुराना आइडियाज है वेदांता वाला आइडियाज है उसको फिर से लाए कि नहीं लाए, रिवाइव किए थे, समझ में आया? ये ट्रेडिशनल जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ह्यूमन अफेयर्स होना चाहिए। ह्यूमन अफेयर्स मतलब क्या, ह्यूमन कंडक्ट, आदमी लोग को इस तरह देखना चाहिए, यानी कि कुछ भी वैलेंटाइन, आज जैसे वैलेंटाइन डे, देखो बेस्ट एग्जाम्पल इसी में समझो ना, इससे बढ़िया कुछ एग्जाम्पल नहीं हो सकता वैलेंटाइन डे। अब मैं सब आइडियोलॉजी के बारे में बताता हूँ, पहले चलो दूसरा आइडियोलॉजी बता देता हूँ, उसके बाद वैलेंटाइन डे वाला लेते हैं दिन, और उसमें सब आइडियोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि कैसे रिएक्ट करेगा, इसमें सब समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो ये समझ गए ना, ये कंजर्वेटिज्म है। एक ले लेते हैं हम लोग, लास्ट वन, दैट इज अ रिएक्शनरी, लिख लो यहाँ पे, ये रिएक्शनरी है। अब देखो इसमें क्या है, ये रिएक्शनरी का मतलब क्या है कि ये जो आइडियोलॉजी है ये बहुत रिजिड है, ये जो आइडियोलॉजी रिजिड है, Not to change, change होना ही नहीं। यानी कि एग्जाम्पल देखो कि जब ब्रिटिश ने जब सती एक्ट लाया, एबोलिशन ऑफ सती एक्ट, तो बहुत सारे लोग ने प्रोटेस्ट किया, वो सब रिएक्शनरी है, क्योंकि वो चाहता है कि अभी भी सती हो इस कंट्री में। जैसे एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे जमींदार हो गया,
जमींदार हुआ, जागीरदार हुआ, लैंडलॉर्ड होल्डर जो है, लैंडलॉर्ड सब है, वो अपोज किए एक्ट को, जहाँ पे हम जमींदारी एक्ट को छीन रहे थे, जमींदारी राइट को छीन रहे थे, जमींदारी राइट को जो हम हटा रहे थे, उस एक्ट को, उस कानून व्यवस्था को इसने क्या किया, बोला कि गलत बात है, हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। तो रिएक्शनरी हुआ कि नहीं हुआ, यानी अपोज करना, जो हम राइट्स जो अपना रहे थे, पहले से इंजॉय कर रहे थे, उसके विरोध में नहीं जाएंगे, हम अभी भी इंजॉय करेंगे। दूसरा क्लासिकल एग्जाम्पल देखो, जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारा कितना कंट्री 552 में डिवाइडेड था, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल सबको जोड़े, तो उस समय बहुत सारा स्टेट था, जैसे हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुआ, कश्मीर हुआ, ये इंडिया में आना नहीं चाह रहा था, ये बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो ये भी रिएक्शनरी है, क्योंकि इसको लाने कोशिश हो रहा था, मैं ये नहीं आया, मतलब नहीं आ रहा था, बाद में तो ऑपरेशन पोलो करके ले आया, वो अलग बात है, ये रिएक्शनरी है। यानी कि जो आप चेंजेस ला रहे हो ना, उसको उसका विरोध कर रहा है कोई पार्टी हो, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, ये क्या होता है, रिएक्शनरी होता है। तो रिएक्शनरी का मतलब क्या है कि आइडियोलॉजी बहुत रिजिड है, नॉट टू चेंज विथ एनी चेंज, यानी कोई नया चेंज लाए तो उसे चेंज होने वाला नहीं है, वो समझ गए ना, यानी कि इस ग्रुप में जो फॉल होगा वो एक्सट्रीम राइटिस्ट ग्रुप है या राइट विंग है, पूरा राइट विंग है, ये रिएक्शनरी होता है, समझ गए ना। अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ एक आज बेस्ट एग्जांपल, आज वैलेंटाइन डे है, फरवरी 14 वैलेंटाइन डे। चलो अब हम समझते हैं जितना भी आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी पे कैसे बात बैठेगा। पहला आइडियोलॉजी क्या पढ़े हो, रेडिकल है, ठीक है, तो रेडिकल का क्या हो सकता है, देखो रेडिकल पे बहुत बड़ा बात कर सकते हो, वैलेंटाइन डे रोज लेके बैठ जाएंगे बढ़िया से, उसमें तो लिखा गया है कि रोज के साथ यदि डेयरी मिल्क हो तो काम बन सकता है, थ्योरी में लिखा गया है, ठीक है, और बढ़िया से कपड़ा उपड़ा पहन के बैठ गए हो नाला के बगल में, ठीक है, डेयरी मिल्क लेके आएगा, बोलेगा बहुत अच्छा बच्चा, क्या कर क्या रहा है, वो तुम्हारा क्या है, रेडिकलिज्म है, क्या किए हम, थ्योरी को प्रैक्टिकल में उतारने चले, पॉजिटिव सेल्स तरीका दोनों हो सकता था, एक बंदूक लेके बैठ गए, एक गुलाब के साथ डेयरी मिल्क लेके बैठ गए, एक गुलाब के साथ बंदूक लेके बैठ गए, दोनों रेडिकलिज्म है कि नहीं है, एक बोले कि नॉन वायलेंस तरीके से प्रपोज करेंगे जो आएगा, और एक बोले कि बंदूक तो है ही नहीं होगा देख लेंगे। मैं मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, तुम लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूँ, वीडियो बन रहा है, बाद में विवाद हो जाएगा। तो ये नंबर वन, ये समझ गए ना, ये तुम्हारा रेडिकलिज्म हुआ। दूसरा लिबरल, जो लिबरल वाला जो कंसेप्ट है, लिबरल में क्या बात करेंगे हम लोग कि लिबरल तरीके, सभ्य तरीके से, है ना, वहाँ जाएंगे आराम से बैठेंगे, अपना गुलाब लेके बैठेंगे, परफ्यूम वर्फ्यूम मारेंगे और बढ़िया से एक जो प्रेजेंटेबल फॉर्म में होता है उस फॉर्म में बैठेंगे और प्रपोज कर देंगे, ठीक है, और हमको कोई घबराने वाली बात नहीं क्योंकि प्रपोज किया जाता है, शादी नहीं हुआ तो शादी से पहले भी प्रपोज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अब यहाँ शादी से पहले प्रपोज करने का बात है क्योंकि ये कंजर्वेटिव आइडिया जाएगा उस तरफ, अभी समझ रहे हो ना, हमारे दोस्त लोग तो प्रपोज किया ही है, लाज उत्ता खाया है, हम भी ट्राई करते हैं, तो ये लिबरल हो गया आइडिया। अब मॉडरेट्स हुआ, मॉडरेट्स क्या बोलेगा, मॉडरेट बोलेगा ठीक है, थोड़ा आइडिया इधर से भी ले लेंगे, थोड़ा आइडिया इधर से भी ले लेंगे, यानी कि प्रपोज भी कर लेंगे और थोड़ा सा माँ जो बोली है वो भी हम थोड़ा सा कैरी करेंगे, माँ बोली है कि ऐसा करेंगे तो ज़्यादा संभावना है पटने का, क्योंकि माँ वाला इसलिए कंजर्वेटिव वाला एलिमेंट। ये तुम्हारा हो गया कौन सा कंसेप्ट, थर्ड वन मॉडरेट्स। अब इधर आओगे देखो, इधर तो बवाल हो जाएगा, इधर तो तुमको वायरल वीडियो मिलेगा ही आज देखने को कंजर्वेटिव वाला, इसमें क्या होगा, कौन है पार्क में बैठा हुआ है, तुम प्रपोज करने के लिए आ गई लड़की दे रहा है, पीछे से आएगा तुम्हारा गेरुआ रंग का लोग सब, कौन है दोस्त बोलोगे तो मार खा जाओगे उस दिन, सिस्टर ही बोलना पड़ेगा भले ही दोस्त हो, और सिस्टर भी बोलोगे तो फिर भी मार खा जाओगे उस दिन। तो ये क्या कंजर्वेटिव हुआ ना, क्यों, अरे शादी हुआ है तुम्हारा कि पार्क में बैठा है, तुम जाओ यहाँ से, भगा देगा तुमको, वो कंजर्वेटिव माइंडसेट है कि नहीं है। तुम कहाँ लिबरल माइंडसेट के लिए साथ चल रहे हो कि हमको प्रपोज करना है आज देख ही लेंगे, पिछले बार तो नहीं हुआ, इस बार कहीं हो जाए, ज़्यादा गोरा हो गए हैं इस बार, समझ रहे हो ना। अब एक आया रिएक्शनरी, इसमें जहाँ लड़का लड़की का गैप रहा बीच में, धर लो उसको, पकड़ लो,
यानी कि बहुत ज्यादा क्लोज आए धर लो उसको दूर करो, ये बिल्कुल कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि दोनों लोग आते हैं क्या मदर डे नहीं होगा क्या, पूरा पूरी देर भड़क जाएगा। मदर डे मनाया मनाता है तुम लोग कि तुम वैलेंटाइन डे मना रहा है, जाओ पहले माँ जाओ माँ को प्रणाम करो, माँ को वो करो, फालतू का चीज़ है ये, इंडिया का सभ्यता ही नहीं है, इंडिया में हो ही नहीं सकता है वैलेंटाइन डे, इंडिया में कभी मान्यता ही नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये वेस्टर्न का है। पूरी तरीके से रिएक्शनरी, अब पूरा आग बबूला हो गया, जैसे हिजाब का जो केस देख रहे हो उस लेवल पे ये इरप्ट हो गया। तो बिल्कुल देखो चीज़ तो वही है मगर अलग अलग आइडियोलॉजी से वही चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे बेस्ट मॉडरेट्स ही है ना, कि आवश्यकता के हिसाब से कभी हम इस तरफ स्विच हो जाए कभी उस तरफ स्विच हो जाए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ क्लास।